स्टूडेंट्स, आर यू फाइन? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक विथ पेंसिल। ठीक है, जो रिमेनिंग हमारे पास टॉपिक था, ठीक है, लाइफ स्टॉक का, तो टुडे वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। टेक आउट द बुक पेज नंबर 63, पेज नंबर 63। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास इस लेक्चर का, तो वो हमारे पास क्या है। पाकिस्तान इज फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर फार्मिंग लाइफ स्टॉक। यानी इसके बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास जो लाइफ स्टॉक है तो वो एग्रीकल्चर में काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट पैरा में हमने पढ़ा था कि ये मिल्क प्रोड्यूस में फर्स्ट वन पर है पाकिस्तान में। ठीक है, और इससे जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड की गई थी 2017 to 18, 57,890 मिलियन टन्स। ठीक है, और जो हमारे पास टू थर्ड मिल्क आता है तो वो बफेलो से आता है और बाकी जो है हमारे पास काउ से आता है। ठीक है, ये थर और चोलिस्तान में रहते हैं। ठीक है, शीप्स और गोट जो है ये रच लेन में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है ड्राई एरिया में होते हैं, लाइक माउंटेंस जो हमारे पास वो होते हैं, ड्राई प्लेसेस होते हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटिव है, माउंटेन्स हो गए, इवन इन द थर्ड एंड चोलिस्तान डेजर्ट दीज लाइक आर ड्राई प्लेसेस। ठीक है, शीप्स आर केप्ट इन फॉर दियर मीट, वूल एंड स्किन। अब जो हमारे पास न्यू टॉपिक है, पाकिस्तान हैज फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर फार्मिंग लाइफ स्टॉक, यानी हमारे हमारे साथ जो है पाकिस्तान वो बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है। यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है लाइफ स्टॉक के लिए, टू मीट द नीड फॉर पाकिस्तान ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी हमारे पास जो है जो एनिमल्स हैं वो हमारी नीड को, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा हो रही है तो उतनी ही जो है हमारे नीड्स को पूरा कर रहे हैं। द गवर्नमेंट सपोर्ट, और इसी तरह गवर्नमेंट भी जो है सहारा देते हैं ऑल फार्मर्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड लार्ज स्केल फार्म्स विच हैव स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, गवर्नमेंट्स भी को भी सपोर्ट करते हैं स्मॉल जो फार्मर्स हैं, तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड लार्ज स्केल फार्म्स विच हैव स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। यानी जो स्मॉल फार्मर हैं तो वो लाइफ स्टॉक यूज़ करते हैं, और जो लार्ज स्केल पे हैं हमारे पास तो वो ज़्यादातर ट्रैक्टर थ्रेशर ये चीज़ें यूज़ करते हैं। पाकिस्तान आल्सो एक्सपोर्ट मीट टू मेनी कंट्रीज़, और पाकिस्तान जो है बहुत से कंट्रीज़ को मीट जो है एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, वेयर देयर इज़ अ स्पेशली वेयर देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर हलाल मीट। ठीक है, जो हमारे पास हलाल मीट है लाइक द गल्फ स्टेट इन यूरोप, वहाँ पे जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मीट, मिल्क, फैट, बटर, चीज़ इन ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें जो है बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, तो ये वहाँ पे प्रिजर्व करके फिर जो है यहाँ पे बेचते हैं, और या यहाँ से जो है फॉरेन कंट्रीज़ एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 64। मैनी अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लेदर इन वूल प्रोडक्ट्स आर आल्सो सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ऊल हो गया, लेदर हो गया, तो वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है। पाकिस्तान हैज़ द रॉ मटीरियल फॉर द प्रोडक्शंस फॉर उलन गुड्स, ब्लैंकेट, शॉल्स, टॉवेट्स, ठीक है, आर मेड फ्राम ऊल। यानी हमारे पास जो ब्लैंकेट्स हैं जिसको हम कंबल कहते हैं, शॉल हो गए, टॉवेट्स हो गए, जो हमारे पास वो है टॉवल होते हैं, ठीक है, ये सारे ऊल से बनाए जाते हैं। एंड 1947 देयर वार ओनली वन ओलन यूनिट इन पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ओलन यूनिट था पाकि, लेकिन जबकि आजकल हमारे पास है नाउ देयर आर 70 विच प्रोड्यूस रॉ ऊल्स एंड ओलन फैब्रिक्स। यर प्रोडक्शन फुलफिल पाकिस्तान नीड्स फॉर द हॉजरी, शॉल्स इन कारपेट्स। ठीक है, ये शॉल्स, कारपेट इन हॉजरी के लिए जो है मोज़े वगैरह हो गए, ठीक है, ग्लव्स हो गए, तो उसकी जो ज़रूरियात हैं हमारी पूरी करती हैं। लास्ट पैरा ऑफ दिस टॉपिक, द मेजर ओलन टेक्सटाइल सेंटर आर इन द हरनाई एंड द मस्तंग बलोचिस्तान। इसके जो ओलन के, यानी इस तरह है ना, थर और चोलिस्तान में जो है शीप पाए जाते हैं और उनसे ऊल जो है
मतलब हमें मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह बलूचिस्तान में हरनाई जो है और मस्तांग जो है, वहाँ पे उसके ओलन के मेन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। बनू इन नौशेरा एंड हैबर पख्तूनख्वा, कायद आबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड साहिवाल इन पंजाब, इन कराची, हैदराबाद, इन लाड़खाना, इन सिंध, ब्यूटीफुल कारपेट आर मैट इन पाकिस्तान। दुनिया के सबसे खूबसूरत तीन कारपेट जो है वो पाकिस्तान में बनते हैं। दे आर द हैंड नोटेड एंड मशीन मैट एंड आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हमारे मुल्क में जो है हाथों से उस पर काम किया हुआ हो, हाथों से बनाया गया हो, ठीक है, या फिर मशीन से बनाया गया हो, तो दोनों को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है, ठीक है। कारपेट्स आर वन ऑफ द आवर लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम, और कारपेट जो है वो पाकिस्तान का सबसे नंबर वन लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम है, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर लेदर और ऊल की है, जो रिमेनिंग पार्ट है। लेदर और ऊल जो है वो उससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, और ये ज़्यादातर जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जो है क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। और जो हमारे पास मेजर ओलन टेक्सटाइल सेंटर है, तो वो हरनाई मस्तंग इन बलूचिस्तान में है, ठीक है। और नौशेरा, हैबर पख्तूनख्वा, कायदाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, साहिवाल इन पंजाब एंड एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत से जगह हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। ब्यूटीफुल कारपेट जो है खूबसूरत तरीन वो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। यहाँ पे हाथ से बने हुए भी हैं और मैन मैड भी है, ठीक है। मैन मैड मीन्स कि जो मशीन के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है, वो भी है। तो ये दोनों किस्म के जो हमारे पास कारपेट्स है, तो इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ये तो था हमारे पास टॉपिक लाइव स्टॉक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी, लेकिन जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो फिर आप लोग जो है काइंडली पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।